अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने लेंथ वाइज 11 इंचेस लिया है पेपर कैनवास को, और विड्थ वाइज 7 इंचेस हमने लिया है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। मेरा नेक मेजरमेंट यहाँ पर 5 इंचेस है, तो मैंने 2.5 इंच पर लगाया है। अगर आपका रिक्वायरमेंट 3 इंचेस है तो आप 3 इंचेस पर लगा सकते हैं। और नेक लेंथ मेरा यहाँ पर 5.5 इंच है, तो 5.5 इंचेस पर मैंने इस तरह से लाइन लगाकर राउंड नेक कटिंग कर लें, राउंड नेक की मार्क करेंगे। और अब यहाँ पर नीचे की मार्किंग हम डिज़ाइन की कर लेंगे। इस तरह से हम लीफ स्टाइल में इसको डिज़ाइन करेंगे। तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ अच्छे अच्छे टेलरिंग के डिज़ाइन, नेक डिज़ाइंस और स्लीव्स डिज़ाइंस वगैरह। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने ये आयरन करके तैयार कर लिया है इस तरह से फिनिशिंग के साथ। अब हम यहाँ पर इस कुर्ती को, जो पहले से हमने यहाँ पर लाइनिंग अटैच की हुई है, तो बॉटम का डिज़ाइन यहाँ पर एम्ब्रॉयडिंग का इस कलर का है, तो इसी की कॉम्बिनेशन पर हम ये फैब्रिक लेकर इस पर रन कर लिए हैं पेपर कैनवास को, यानी नेक कटिंग को। तो अब हम इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए यहाँ पर 1-1 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे इस तरह से। तो दोनों तरफ हम 1-1 इंच की दूरी पर मार्क लगाकर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पहले बना लेंगे इस तरह। और इसी तरह से हम इस तरफ भी आखिर वाले मार्क से लीफ की जहाँ पर डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर मार्क लगाएंगे। और उसके बाद हम इसी टेप के जितना चौड़ाई में मार्क करके लेंस बनाएंगे। अगर आप और ज़्यादा विड्थ वाला बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इस तरह से हम सारे लाइंस बना लेंगे। दोनों तरफ हम 4-4 लाइन बनाकर इसका डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पर 1-1 इंच की दूरी पर मार्क कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें फ्रेंड्स, और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसलिए इससे हम डिज़ाइन करेंगे इस तरह से। छोटे छोटे टुकड़े हम नीचे और ऊपर की दोनों साइड आधा आधा इंच ज़्यादा रखकर मार्क करेंगे, सॉरी ज़्यादा रखकर कट कर लेंगे। तो ये पूरे हमने कट कर लिए हैं जितने रिक्वायर हैं हमारे ने। अब इसको इन मार्किंग्स पर 1-1 रखकर स्टिच करते चले जाएंगे इस तरह से। क्रॉस वाइज हम रखकर अगर स्टिच करेंगे तो इसका डिज़ाइन अच्छे खूबसूरत लुक आएगा। तो इस तरह पूरे लेस के टुकड़ों को हम स्टिच करते चले जाएंगे और ये तैयार हो गया कंप्लीट होकर। तो अब यहाँ पर इस तरह के स्क्वायर फैब्रिक पीसेस हम 2 स्क्वायर फैब्रिक पीसेस को कट करके लेंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप के स्टिच करके यहाँ पर लगाएंगे और इसके ऊपर से
एक एक स्टिच डाल देंगे इस तरह से। वी शेप टाइप रख सकते हैं आप वी शेप डिज़ाइन में, तो इस तरह स्टिच लगाने के बाद इस पर लेस अटैच करेंगे। जो पहले वाली लाइन हमारी थी उस पर हमने ट्रायंगल डिज़ाइंस को रखकर स्टिच किया है और उसी लाइन पर लेस स्टिच करना शुरू करेंगे। अब इन पूरे लाइंस पर लेस स्टिच करेंगे हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़कर। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब हम यहाँ पर कुर्ती की उल्टी साइड पर इस नेक डिज़ाइन को रख के जो ठीक सेंटर पॉइंट पर चटका लगाया है हमने सेंटर पॉइंट को मिलाकर इस तरह से बीच में पहले एक स्टिच लगाएंगे ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना। और अब पूरा नेक यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अगर आपको कोई बात पूछनी हो और अगर कुछ आप अलग चाहते हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियोस बना सकें। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। और अगर आपके कोई जानने वाले दूसरे टेलर्स वगैरह हैं तो उनके साथ भी शेयर करें मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को, तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो इस तरह से नेक कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस तरफ सीधे और उलट देंगे। ड्रेस की सीधी तरफ हम इसको इस तरह से उलट देंगे और इसे टॉप स्टिच लगाएंगे। अगर आप स्टिच लगाना नहीं चाहते हैं तो इसको आप आयरन से अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, आयरन करके इसको ऊपर की साइड नीटली फिनिशिंग दे सकते हैं। मगर चूंकि हमें इसे नीचे की ओर स्टिच करना ही है तो मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर भी स्टिच लगा लिया है। तो अब इस साइड भी इस तरह से इस हाफ हाफ इंच के छोड़े हुए लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा नेक डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। तो इसके थ्रेड्स वगैरह क्लीन नीटनेस के साथ कट कर देंगे और अब इस तरह की गोल्डन लेस गोल्डन कलर की लेस को हम इस तरह किनारों में रख कर स्टिच करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी थैंकफुल रहूँगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं उनमें से बस थोड़े ही लाइक्स डालना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स इतनी मेहनत को एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ ज़रूर लाइक करें वीडियो को। तो अब हम बीड्स लेंगे, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर वाली बीड्स कुर्ती के कलर के अकॉर्डिंग यूज़ किए हैं। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो मैं आपको अब स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा
नेक डिज़ाइन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चला है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।